डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, यस्टरडे वीडियो में हमने रैशनल नंबर में कंपेयर करना सीखा था, हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर, क्लियर दैट? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो स्टूडेंट, टूडेज अवर टॉपिक इज फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। सो लेट अस फाइंड सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, माइनस 5/9 एंड 5/9, ओके। सो माइनस 5/9 एंड 5/9 आर रैशनल नंबर्स। सो इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो वी नो दैट कि माइनस 5 और 5, केवल माइनस 5 और 5 के बीच में 9 इंटीजर्स हैं, ओके। कौन कौन से वो? माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ओके। 9 इंटीजर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके। सो दस वी कैन से दैट कि रैशनल नंबर्स माइनस 5/9 और 5/9 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स होंगे? माइनस 4/9, माइनस 3/9, माइनस 2/9, माइनस 1/9, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9 एंड 4/9, ओके। माइनस 5/9 एंड 5/9 के बीच में हमने 9 रैशनल नंबर्स फाइंड किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। माइनस 4/9, माइनस 3/9, माइनस 2/9, माइनस 1/9, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में यदि हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो उनके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्लियर दैट? यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उन्हें हम सेम करेंगे एलसीएम के थ्रू, क्लियर दैट? जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, सो उस कंडीशन में हम इस तरह से रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ तक ही लिमिट नहीं है, माइनस 5/9 और 5/9 के में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, ओके। सो इनके बीच में हम और भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। यदि हम माइनस 5/9 में 10 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स माइनस 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें, माइनस 50/90 एंड 5/9 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं हम 10 से न्यूमिनेटर एंड 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। सो 50/90, माइनस 50/90 और 50/90 के बीच में भी हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। वे कौन कौन से होंगे? सो माइनस 49/50, माइनस 49/90, माइनस 48/90, माइनस 47/90, माइनस 46/90, डैश डैश डैश, ओके। 0/90, 1/90, डैश डैश डैश, कहाँ तक? 48/90। इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सो रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करते हैं, ओके। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि 100 से मल्टीप्लाई करें, सो माइनस 500/900 एंड 500/900, इनके बीच में भी हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, क्लियर दैट? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ओके। सो क्वेश्चन इज 2/3 एंड माइनस 7/9, ओके। इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे हम? 10, ओके। अब इस क्वेश्चन में कंसीडर कीजिए डिनोमिनेटर कैसा है? सेम नहीं है, मींस डिफरेंट है, ओके।
सो अब हमें इन डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. सो 2/3 एंड माइनस 7/9 के सॉल्यूशन में हम सबसे फर्स्ट स्टेप में करेंगे इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. डिनोमिनेटर कैसे सेम कैसे होगा, यदि इस वाले फ्रैक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें सो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. ओके सो 2 × 3 हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9 एंड माइनस 7/9 एज इट इज़. सो 6/9 एंड 7/9 के डिनोमिनेटर कैसे हैं, अब सेम है. सो अब हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हमने डिनोमिनेटर कैसे कर लिए हैं, सेम कर लिए हैं. सो अब माइनस 7/9 एंड 6/9 के बीच के रैशनल नंबर्स हम फाइंड करेंगे. सो माइनस 6/9 माइनस 5/9 माइनस 4/9 माइनस 3/9 माइनस 2/9 माइनस 1/9 0/9 1/9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें कितने चाहिए, 10. सो 2/9 एंड 3/9. ओके दैट इज आंसर. सो स्टूडेंट जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो सो उस कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, देन हमें रैशनल नंबर्स इस तरीके से फाइंड करना है. क्लियर दैट. सो स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7 एंड माइनस 5/7. इनके बीच में भी हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सो वही रूल है, हमें डिनोमिनेटर चेक करना है. देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है. सो इस कंडीशन में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना वेरी इजी हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट मेथड फर्स्ट स्टेप नहीं करना पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है. सो सॉल्यूशन में हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं. सो माइनस 7 डिनोमिनेटर में 7 है. सो माइनस 4/7 माइनस 3/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7 0/7 1/7 2/7. ओके नेक्स्ट है 3/7 4/7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट है 5/7. क्लियर दैट. सो स्टूडेंट ये देखिए वेरी इजी आंसर. सो 6/7 एंड माइनस 5/7 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं. स्टूडेंट इसके लिए फर्स्ट हमें क्या याद ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्लियर दैट. स्टूडेंट आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि यही है. ओके सो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.